आज पूरी आयुर्वेद पर्व द्वितीय दिन में विशेषज्ञ मानक द्वारा वैज्ञानिक संबर्धियों आलोचना करा जाय छी। आज पूरी आयुर्वेद महाविद्यालय आयुर्वेद पर्व द्वितीय दिन में वैज्ञानिक संबर्धियों उपस्थापना विशिष्ट विशेषज्ञ मानक नहीं करा जाय थिला। सेमानको मध्यरे वैद्य राकेश शर्मा, वैद्य नारायण चंद्र दास, प्रोफेसर अरुण कुमार दास, डाक्टर हिमांशु चिंगारी, डाक्टर राजीव रंजन चतुर्भुज भुईया, डाक्टर अभिराम ठाकुर और प्रोफेसर पूर्णचंद्र पंडा उपस्थित रही आयुर्वेद प्रति किपर जनसाधारण आग्रह बढ़ से विषय गुरुतर भाव आलोचना करा सहित अनुष्ठान अध्यक्ष उपाध्यक्ष माने निज निजर टिप्पणी रखिथिले। न्यू दिल्ली रो डाक्टर महेश दास, वैद्य मदन मोहन पाढ़ी, नारायण प्रसाद दास, ताराचंद शर्मा प्रमुख आयुर्वेद गवेषण लब्ध ज्ञान को लोकाभिमुखी करने मत पोषण करते। भारत सरकार को आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम को ओडिशा राज्य आयुर्वेद महासम्मेलनी और गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय मिलित उद्यम पुरी में तीन दिन धरी परिचालना सहित रोगी मागणा स्वास्थ्य परीक्षा सहित मागणा औषध बंटन कर। अध्यक्ष पंजीयन एवं आचार बोर्ड भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति नई दिल्ली से यहाँ उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ जी के चरण स्थलों में आया हूँ। यहाँ पे भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा और आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। आयुर्वेद पर्व जो है ये एक ऐसी स्कीम है IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये पूरे जो हमारा समाज है उसको आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना या उसको आयुर्वेद के प्रति बताना। ऐसे ही जो हमारी फार्मेसी यूनिट्स हैं, जो हमारी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी हैं, उनको प्रमोट करना। तीसरा, जैसा आप देख रहे हो कि हॉल में लेक्चर चल रहे हैं, तो इन लेक्चरों के द्वारा आम पब्लिक को आयुर्वेद की विशेषताओं के बारे में बताना और जो विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, उनको अनुसंधान आयुर्वेद में कहाँ कहाँ हुए हैं, कितने कितने हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देना। अगर इसको संक्षेप में हम बताएं तो उसका आज का जो ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन तीन दिन चलेगा और तीन दिन में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सवारिकपा और होम्योपैथी, ये हमारी भारत सरकार की अनुसंधान परिषद हैं, इनके द्वारा और विभिन्न जो उसके उपक्रम हैं इस पर्व के, उनके द्वारा आयुर्वेद को बड़े अच्छे ढंग से हर व्यक्ति के समझ में आ जाए, इसकी उपयोगिताएं क्या हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हम खाने में खाते हैं, दालचीनी लेते हैं, शुंठी लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, जीरा लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, अदरक खाते हैं और लहसुन खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे रसोई घर में रहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इनका उपयोग हम अपनी दवाइयों में, आयुर्वेद की दवाइयों में भी करते हैं, हल्दी का उपयोग हम बहुत करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी अगर प्रारंभिक कोई छोटी मोटी हमें तकलीफ हो जाती है तो इनसे कैसे निराकरण किया जा सके, इसके बारे में चर्चा करना। और दूसरा जो आयुर्वेद का विशेष महत्व है, वो इस साल की जो थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, कि हर व्यक्ति के घर में आयुर्वेद होता है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई जो हमारी रसोई में भी काम आती हैं और हमारे औषधि द्रव्यों में भी काम आती हैं। इसी ऐसे क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेद का मतलब क्या है कि हम शुद्ध और सात्विक आहार लें। अब ये शब्द तो बड़े अच्छे लगते हैं कि शुद्ध क्या है और सात्विक क्या है, या अगर हम गर्म गर्म खाना खा लें और दो बार ही केवल खाना खाएँ, अधिक खाना न खाएँ, तो हम बीमारी से बच सकते हैं, एक बात। दूसरा, खाने से पहले जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके पूरी अपनी नींद ले लें। सुबह उठने से भी पहले मैं विशेष बताऊंगा कि आयुर्वेद में तीन उपस्तंभ बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का मतलब है कि हमारा खान पान कैसा हो, निद्रा का मतलब है जिसको कि हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, हमें अपने श्रम के अनुसार जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से हमें 6 घंटे से 8 घंटे की नींद लेनी बड़ी आवश्यक है। तो निद्रा जो है शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक फैक्टर है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे लैपटॉप पे रात रात भर खेलते हैं और मोबाइल पे रात रात भर खेलते हैं, उसकी आँखों पे उसका दुष्परिणाम पड़ता है। और ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाते हैं, जैसे मैं नाम नहीं किसी भी आइटम का लेना चाहता, किसी कंपनी का भी मैं कोई इसमें ये नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे भारतीय पकवान है या भारतीय जो हमारी चीज़ें हैं खाने की, जो हमें सहज साथ में का अर्थ होता है कि हमारी प्रकृति और हमारे देश और हमारे
शरीर के अनुरूप हमें कोई बीमारी पैदा ही नहीं करेंगे। उदाहरण देते हैं, गाय का दूध पिएंगे तो कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। बच्चा पैदा होता है तो एक पैदा होने से 6 महीने तक माता का ही दूध पीना चाहिए, तो उससे शरीर में बल की और बुद्धि दोनों की वृद्धि होती है और बीमारियों से बचा जा सकता है। इस तरह से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण है कि डिसिप्लिन में रहना, कि हम अपने अनुशासन में रहें, सुबह उठें, उठ करके दंत धावन करें, व्यायाम करें और आँख नाक कान में, आँख में अंजन लगाएं, नाक में तेल लगाएं। अब नाक में तेल लगाएं, ये जब कोरोना हुआ तब लोगों ने कहा कि अनु तेल का नस लीजिए, सरसों के तेल का नस लीजिए। अगर हम रेगुलर नाक में नस से लेते रहें, तेल लगाते रहें, तब हम बाहर के जितने भी इन्फेक्शन हैं उन सबसे बच सकते हैं। हमारा जो नेजल सेप्टम है इसमें कोई स्लफ, जो इसमें जो कोई संक्रमण का कोई भी भाव एकत्रित होने वाला है, वो एकत्रित ही नहीं होगा। वहाँ पे उस बैक्टीरिया को, वायरस को जाने की किसी प्रकार से कोई संधि प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तेल लगाएं, सिर पे तेल लगाएं, सिर पे कोई तेल लगाता नहीं है। आजकल देखते हैं कि मेमोरी लॉस जो है बहुत जल्दी दिखती है। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करूँगा, लेकिन बुढ़ापे में 55 साल के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। सिर पे तेल लगाना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए और तक्र लेना चाहिए, खास करके छाछ है उसका सेवन करना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो हम जीवन स्वस्थता पूर्वक जी सकते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा अच्छे से और स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है, इसके बारे अधिक से अधिक लिखा है और व्याधियों के बारे में भी लिखा है, और व्याधियों और रोगों की चिकित्सा बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है। इन सभी जितनी मैंने आपको बातें बताई, इन सभी बातों को प्रचारित प्रसारित एक साइंटिफिक तौर पे और क्लासिकल तौर पे करने के लिए इस तरह के पर्वों का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद पर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा जोटा की सर्वभारतीय स्तर प्रमुख आयुर्वेद कॉलेज अधिकार करेंगे आमर आयुर्वेद पर्व कराऊँगी। एवं ये जो अल इंडिया बेस आयुर्वेद कॉग्रेस करुच्छे से आम मानक जो ओडिशा जो अच्छे मेम्बर जो अच्छा प्रेजिडेंट सेक्रेटरी डॉक्टर पुष्टि एंड डॉक्टर जी एस पी मिश्र एम आनुकूल्य तथा आम आयुर्वेद कॉलेज अध्यापक अध्यापक मान को नहीं ये कार्यक्रम कर सर्वभारत आम चाहूँ जो पूरी गोटे 1 नंबर हो। आउ ये हम कहे चाहे जे पुरी सहर समस्त जनसाधारण तथा जो माने रोग एवं शोकर माने निवृत्त होती से माने आसी यार सुजोग निहतु एवं मागणार औषध बंटन कराऊँ मागणार आमर हेल्थ कैंप जो कराऊँ से औषध एवं तापर आम कराऊँ फास्ट ब्लड सुगर बीपीएस कराऊँ से सब सुजोग नौ लक्ष्य कौन रही जो कार्यक्रम आयुर्वेद प्रसार और प्रचार पर ये एक प्रयास भारत सरकार ଏହାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଚାଲି ରହିଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଘର ହର ଆୟୁର୍ବେଦ, ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ହଳଦୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜିରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ କିନ୍ତୁ ଘର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପରିଣତ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ମାନେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉନ୍ନତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ରିରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ଅଟୋରେ ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ଇଏ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଜାର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ତ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନ ଅଭାବ ରହୁଛି କି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା କି ଡିରେକ୍ଟ କାମ କରେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଆମର 5 ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେବ, ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସେମାନେ ଜ୍ୱର ଖାଇସାରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାତନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାରାଲାଇସିସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମିତି କହିବେ ତଥାପି ଆଜି ଆୟୁର୍ବେଦ ପର୍ବରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ବେଡ଼୍ ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସାର ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଏତିକି ଆମ ଆଶା।
डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद मिश्र ओडिशा स्टेट आयुर्वेद कांग्रेस रो सेक्रेटरी अछि हमर एटी जे आपन 3 दिन रो कर्मशाला खुलाय छी वर्तमान लोक एलोपैथिक ग्रहण करथरे आयुर्वेदिक केते दूर आगु ग्रहण करबे से कथा बोलबे एबे एलोपैथिक तो निश्चय लोक ग्रहण करचंदी किंतु धीरे धीरे वर्तमान लोक माने जानी गलेनी जे कोण कौ औषध रो उपयोग कले कोटा बेसी लाभवान हेबे तेणु एबे हमर लोक मैंने जनसाधारण धीरे 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 आयुर्वेद अभिमुखी है आयुर्वेद औषध को अपणे आमर जो आयुष मिनिस्ट्री रही भारत सरकार मध्यम एवं वर्तमान आम समस्ते जो स्लोगान दि जाऊँगी हर दिन हर घर आयुर्वेद तारी मध्यम विभिन्न राज्य में वर्तमान आयुर्वेद पर्व पालन करम वर्तमान पूरी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय यही तीन दिनिया आयुर्वेद पर्व पालन करी आम सबू जनसाधारण को मगणारे स्वास्थ्य सुविधा जोगाइ दि जाऊँगी स्वास्थ्य परीक्षा करा आईसी कार्यक्रम अंतर्गत सब इनफर्मेसन सब डाक्तर मान दि जाऊँगी विभिन्न राज्यर सारा देशर आमर 600 पखापाखि डेलीगेट्स बर्तमान आसिक रजिस्ट्रेसन करो साइंटिफिक सेसन उपयोगिता एवं तार उपकारिता भागीदार रही निजर संदर्भ उपस्थापन कर आयुर्वेद केमिति लोकाभिमुखी हेब एवं जनसाधारण केमिति सहजरे को उपलब्ध करें हर दिन हर घर केमिति आयुर्वेद उपयोग हो पार तारी उपरे वर्तमान आलोचना चली यार सुफल वर्तमान पूरी जनसाधारण नापी कि आम आपण मान मध्यम अनुरोध करुचु जे आउरी कर्मशाला एवं ए जो स्वास्थ्य शिविर आउरी चलिबा आसंता काली पर्यंत समस्त भरपूर उपयोग नियंत्रण।